ये ला। अरे ये तो बिल्कुल नया जैसा हो गया। कितने सालों से ये काम कर रहे हो? जब से यहाँ इतनी सी मूछ निकलने लगी थी ना, तब से। उन दिनों में सौन चढ़ाने का बहुत बड़ा पत्थर लेकर घूमता था, उस पर तो राजा महाराजाओं की तलवार भी तेज कर सकता था मैं। तुम्हारी उम्र क्या होगी? 50, 60, 80, क्या पता। हाँ ये लो, इसकी धार 3 महीने तक तो रहेगी ना। अरे हाँ हाँ, चिंता मत करो भैया, 3 महीने से पहले इसकी धार पुथरा गई ना तो मुझे बेईमान की औलाद। माफ करना सुसरी, मेरी जुबान भी तेज हो गई इस धंधे में। ले आना मेरे पास, मुफ्त में बना दूंगा। चाकू छुरी तेज करवा लो। अरे क्या बात है रंगा, और कोई गाहक नहीं मिला तुम्हें आज? अरे नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है, पर कभी कभार तुम भी तो अपना उस्तरा तेज करवाते होगे। हाँ हाँ करवाते हैं, पर आज नहीं, वक्त नहीं है आज। ज्यादा वक्त नहीं लगेगा, उस्तरा मेरे हाथ में आया नहीं कि तेज और हजामत के लिए तैयार। राघवन, हर आदमी को अपनी धार तेज रखनी चाहिए। बात सुन रंगा, बैठ। एक काम कर, ये चाकू छुरी का धंधा छोड़ दे, कपड़ा बेच या चूड़िया बेच, बहुत पैसा कमाएगा। ए सैयद, दो चार आना। भाई राघवन, मेरे भाल आज काटोगेगा नहीं। जा जा। अपना अंगूठा यहाँ लगाना। अच्छा, ये सब पैसे। अच्छा, ये मेरी बेटी के लिए है, वही जो पामबन के क्रिस्ती स्कूल में पढ़ती है। बड़े साहब से बोल के जरा जल्दी भिजवा देना। वो क्या साहब के पैसा बखत पर नहीं पहुंचे तो बड़ी दिक्कत हो जाती है स्कूल में। चाकू छुरी तेज करवा लो, चाकू छुरी तेज करवा लो। जरा ठहरो, अपने काम की बड़ी शेखियां मार रहे थे ना, देखो इस छुरी की धार कितनी जल्दी बुथरा गई है, देखो। क्या करें माँ जी, आजकल चाकू छुरियां बनाते ही ऐसे, इसका लोहा अच्छा नहीं है माँ जी तो धार कैसे तेज होगी, लेकिन कोई बात नहीं। देखो बार बार मैं पैसे नहीं दूंगी। मैंने पैसे कहाँ मांगे हैं माँ जी, चिंता मत कीजिए, मुफ्त में बना दूंगा। ये लीजिए, बिल्कुल नया सा हो गया माँ जी। माँ जी थोड़ा पानी मिलेगा? हाँ हाँ जरूर। वो क्या है कि सुबह से कुछ खाया नहीं है, अगर छाछ के साथ कुछ। हाँ हाँ, जरा ठहरो। राघवन, वो पीली गाड़ी वाले हमारी जान लेने पर तुले हुए थे, ऑपरेशन कराओ ऑपरेशन कराओ। अरे किसको चाहिए ऑपरेशन इस उम्र में। इसीलिए हम दोनों रोया परम छोड़कर आ गए। तुम्हारे किस्मत अच्छे थे, पता यहाँ आने से पहले मैं मंदिर का नाई था। मंदिर के प्रणाम। सुना ओए रंगा, आप बैठ बैठ, थोड़ा तू भी लगा ले, आधा बोतल का 2 रुपया। नहीं नहीं, तुम लोग पियो। राघवन, रंगा आजकल पीता ही नहीं, बहुत पैसा बचा रहा है। पोस्ट ऑफिस जाते रहता है, मनी ऑर्डर भेजता है गांव को। चलो भाई चलो, अपना होटल वाला आ गया होगा। देख रही हूँ आज सुबह से सिर्फ दांत ही मंजे जा रहे हैं। आज काम पर जाओगे भी या यूं ही बेटी को देखते बैठे रहोगे? हाँ थोड़ा जल्दी कर बे। हाँ हो गया, ये लो। ए रंगा, पैसे मिल गए क्या? हाँ मिल गए। तुम्हारा 1 रुपया अलग से रखा है। 5 रुपए मैंने खुद 25 गाहक गिने हैं, 10 रुपए से कम आमदनी नहीं हुई तुम्हारी, गिनती मुझे भी आती। जैसे मुझे कुछ पता ही नहीं है, हमेशा जासूसी करते रहते हो मुझ पर।
अच्छा ये लो, खुद ही गिन लो। 9 रुपए। 9 रुपए यानी 1 रुपया 80 पैसे। लो चलो। और एक बात याद रखो, मेरी वजह से ही तुम्हारा ये धंधा चल रहा है। हाँ ये बात तो सच है भैया, तुम्हारी बड़ी मेहरबानी है जो मुझे अपनी दुकान के बाहर खड़ा रहने देते हो। है ना, आज अच्छा कमा लिया ना। चलो शराब पिलाओ। नहीं मेरे ख्याल से मुझे घर जाना चाहिए। नहीं नहीं मैं जब भी पीता हूँ मेरी बीवी बिगड़ जाती है। अरे तुम कमाते हो, तुम पीते हो, इसमें बीवी का क्या बिगड़ता है। चलो। हाँ लेकिन हमारे एक बच्ची भी है ना। हमारे बच्चे नहीं है क्या? रख रख भेजेगा, देख ले भाई कैसा मर्द है रे तू, बीवी से डरता है। चला चल, 2 गिलास दे बे रंगा के खाते पर। ले 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 चला, और 2 गिलास दे बे। सन आज 1 क्वार्टर अपनी बीवी के लिए ले जा, खुश हो जाएगी, सब ठीक हो जाएगा। आज फिर से शराब पी तुमने? चुप ही सो रही है, शोर मत मचाओ। कितनी बार कहा तुमसे शराब से दूर रहने के लिए? थकान मिटाने के लिए अगर आदमी थोड़ी पिए तो उसमें हर यार। लो तुम भी पियो, पियो थोड़ी चखो। अरे चखो ना। क्या नाश हो तेरा, तूने मेरी दारू ले, तुमने मारा। मारा मुझे, मारा। सुन तो, अरे अरे मारा तो। अब पड़े रहो ही सारी रात। अब होश ठिकाने आए तुम्हारे? पता नहीं कल रात क्या हो गया था मुझे, शराब का भूत हावी हुआ था तुम पर और कुछ नहीं। फिर से पियोगे? वो लोहार है ना चंद्रा, वो जबरदस्ती खींच के ले जाता है मुझे ताकि शराब के पैसे मुझसे वसूल करवा सके। तो उसके साथ मिलना जुलना बंद कर दो। चलो कुछ खा लो। चाकू छुरी तेज करवा लो, चाकू छुरी, चाकू छुरी तेज करवा लो। अरे रंगा धंधा कैसा चल रहा है? अरे चाकू छुरी मां जी, कोई चाकू कैंची है धार लगाने के लिए? नहीं भाई जाओ। चाकू छुरी रंगा और रखा, इस चाकू को धार लगाने के कितने लोगे? अम्मा 8 आने लगेंगे इसके। 8 नहीं 4 आने दूंगी मैं। हाँ अच्छा आओ। बस 2 रुपए। मंदिर के पास हाट लगी थी, वहां नहीं गए क्या? गया तो था पर मुझसे पहले ही 10 लोगों ने डेरा जमा के रखा था वहाँ। ऐसे तो हमारा गुजारा नहीं चलेगा, 15 दिन में सिर्फ 10 रुपए कमाए हैं तुमने। चंद्रा की दुकान के बाहर ही अच्छा था मैं शायद। शराब को तरस रहे हो क्यों? तुम जोर से आवाज लगाते ही नहीं होगे लोगों को, सामान यूं ही पीठ पर चढ़ा के मन ही मन चाकू छुरी तेज करा लो बोलते होगे बस। क्या हो गया, पागल हो गए हो क्या? मैं तुम्हें दिखाना चाहता था कि कितनी जोर से आवाज लगाता हूँ मैं अपने ग्राहकों को। चिकना कह रहा था कि मेरी आवाज कसाई घर के आगे भी सुनाई देती है। तब तुम डर के मारे चाकू छुरी छुपा के दरवाजे बंद कर देते होंगे। पिताजी पिताजी, मास्टर जी मेरी पढ़ाई से बहुत खुश है, कहते हैं अब मैं पंबन के मिशन स्कूल में जा सकती हूँ। अच्छा अरे वाह,
अरे मैं जानता था मेरी बिटिया खूब होशियार बनेगी। देख, मैं तेरे लिए क्या लाया। माँ को नहीं बताना। मास्टर जी ये जानना चाहते हैं कि आप मुझे वहाँ भेजेंगे या नहीं। उन्हें चिट्ठी लिखनी होगी ना। भेजूंगा, जरूर भेजूंगा। जल्दी करो, बरसात से पहले इमारत खड़ी हो जानी चाहिए। चलो चलो जल्दी करो। मास्टर जी नमस्ते। अरे रंगा, अच्छा हुआ तुम आ गए। आओ, तुम्हारी बेटी बहुत ही होनहार है। साहब साहब, मेरी किस्मत अच्छी है, मेरे पूरे खानदान में इसे छोड़कर कोई स्कूल की सीढ़ी तक नहीं चढ़ा। तब तो तुम्हें उसे जरूर पढ़ाना चाहिए। अगर तुम हाँ कह दो तो पामबन की मिशन स्कूल की अर्जी भर दूं। हाँ जरूर साहब। साहब आपके बड़े उपकार होंगे मुझ पर। पर काफी पैसे लगेंगे, उतना खर्च कर सकोगे? आप चिंता मत कीजिए मास्टर जी, मैं कोई ना कोई रास्ता ढूंढ निकालूंगा। पर तुम्हारी बीवी तो कह रही थी कि। मास्टर जी, मेरी बीवी को दो पैसों की अकल हो तब तो पढ़ाई का मतलब उसकी समझ में आए। वो तो समझती है कि लड़कियां सिर्फ घर का काम करने के लायक हैं। फिर शादी करो और बच्चे पैदा करो, पर इस मामले में मैं उसकी एक नहीं चलने दूंगा। मास्टर जी आप बड़े स्कूल को अर्जी के लिए लिख दो, रही पैसों की बात तो मैं इंतजाम कर दूंगा। अच्छी बात है रंगा, किसी बड़े शहर में धंधा क्यों नहीं शुरू करते? सुना है मालगुड़ी एक बहुत बड़ा शहर है, हजारों घर हैं वहाँ। हजारों घर हैं तो फिर हजारों छोरियां भी होंगी तेज करने के लिए। मैं वहाँ बहुत पैसा कमा सकता हूँ और लोग भी अच्छे हैं वहाँ के। होंगे तो हमें क्या लेना देना। मैंने तय कर लिया, मैं मालगुड़ी जाऊंगा। अगर किस्मत अच्छी रही तो तुम लोग भी आ जाना वहाँ, वहीं घर बसाएंगे। तुम्हें जहाँ जाना है जा सकते हो, पर हम अपने ही घर को ताला लगाकर यहाँ से बाहर कहीं नहीं जाएंगे। और फिर बढ़ती हुई लड़की को बड़े शहर ले जाकर वहाँ के नखरे में बिल्कुल सिखाना नहीं चाहती, समझे? समझदारी की बात तो तुम्हारे दिमाग में कभी घुसती नहीं। जो कुछ भी हो, मैं और मेरी बच्ची यहाँ से हिलेंगे नहीं। स्कूल में मास्टर जी का कहना मानना, मैं तेरे को पैसा भेजूंगा, सीधा मास्टर जी के हाथ में देना। हाँ। मालगुड़ी से मैं तेरे लिए अच्छा अच्छा कपड़ा लेके आऊंगा। बस तो खड़ी है। अरे बाबा जगह मिलेगी भैया? हाँ हाँ बहुत जगह है, चलो चलो पीछे, पीछे। सामान ऊपर। अच्छा अच्छा, हाँ रखता हूँ इसको। ए भैया हाथ लगाना, बैठने की जगह है भैया? मन लगा कर पढ़ना, माँ से झगड़ना नहीं, भूल जाना। रंगा, गाड़ी वाला आ गया, खाना नहीं खाएगा? हाँ, हाँ, हाँ। रंगा, अरे इधर आजा, इधर आजा। अरे अरे अरे, हम लोग लाइन में यूं ही खड़े हैं क्या? उसने जगह रखी है मेरे लिए। हाँ, किधर? मैंने इधर। ये रंगा, जो आ रहा है उधर। देखा आज हमारी किस्मत में क्या भोग है। अच्छा खाना है, मुर्गी है, थोड़ा सा गोश्त है, नींबू का अचार, आलू और चावल। लगता है होटलों में लोगों ने ठीक से खाना नहीं खाया होगा। अच्छा है, जितना वो लोग फेंके उतना ही हमें मिले। मान लो अगर आज भी फौजें तलवारों से लड़ती तो जानते हो मैं कितने पैसे बनाता? कितने पैसे? ए, तू तो गिन भी नहीं पाता। ऐसे पत्ते मिले हैं, आज हारूंगा जरूर। क्यों रंगा, बहुत पैसे जमा कर लिया है तूने? अरे नहीं भैया, अभी कहाँ, ये सारे तो बच्ची के स्कूल के खर्चे में ही खत्म हो जाएंगे, पर घर जाने के लिए काफी है। सोने की चूड़ियां भी नहीं मेरे पास। अच्छा अच्छा, देखूंगा। पर सोना यहाँ से आजकल सस्ता नहीं है मालगुड़ी में। ये लो पैसे। पिताजी। अरे अरे अरे, आ गई बिटिया स्कूल से। देख मैं तेरे लिए क्या लेके आया, ये 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 फाउंटेन पेन। हाँ। और ये और ये और ये। सारा दिन वर्दी साफ करना, नहीं तो वो वही किताबें। वो तो इसमें हर्जी क्या है, कम से कम बच्ची साफ सुथरी तो रहती है। अब तक तो इसे काम पर चले जाना चाहिए था। अब तो काफी पैसा भेजता हूँ मैं और तुम भी तो काम पर नहीं जाती। तू पढ़ाई कर बेटा, मन लगा के।
मेरी भाई देख, अरे पांच में सब पांच। और कितने दिन यूं ही बैठे रहोगे? तीन दिन हो गए तुम्हें यहाँ आए। अच्छा बाबा अच्छा, चला जाऊंगा मालगुड़ी एक दो दिन में। चल चल केरी भाई। हाँ मुझे भी पांच मिले। अच्छा हुआ इस ट्रक वाले ने गाड़ी नहीं रोकी, ऐसे चला रहा है जैसे चांद पर उड़ने जा रहा हो। बचा लिया भगवान ने। कहाँ जा रहे हो? मालगुड़ी। आओ बैठो, मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। ये लो साले। नहीं नहीं अपने पास रखो। बड़ी मेहरबानी। आओ चले साहब। ये कौन सी जगह आ गए हम? चिंता मत करो, इधर तुम्हारी अच्छी देखभाल होगी। लेकिन क्यों? तुम 30 रुपए कमाना चाहते हो ना? 30 रुपए? पर साहब 30 रुपए कमाने के लिए मुझे क्या करना होगा? मैं तो अपने औजार भी साथ नहीं लेकर आया। काम कुछ नहीं करना, बस रात यहीं बितानी पड़ेगी तुम्हें। सारी रात? हाँ तुम जितना चाहो खा सकते हो, रात आराम से गुजारो और कल सवेरे मैं खुद तुम्हें मालगुड़ी छोड़ दूंगा। इस सबके बदले में तुम्हें 30 रुपए और एक रेडियो मुफ्त मिलेंगे। रेडियो चाहिए ना तुम्हें? रेडियो का मैं क्या करूंगा साहब, मैं तो अनपढ़ गवार आदमी, रेडियो चलाना भी नहीं जानता। सीधी सी बात है, बटन दबाओ और गाना सुनो। अच्छा साहब, मेरी लड़की को मैं डॉक्टर बनाना चाहता हूँ, उसको दे दूंगा रेडियो। हाँ अच्छा, हाँ बैठो, मैं तुम्हारे लिए खाना भेज देता हूँ। खाना? साहब वो 30 रुपए तो नकद मिलेंगे ना? हाँ, और देखो वो पैसे की बात किसी से मत करना, लोग चलेंगे तुमसे। मैं भी आया, उसे खाना दे दो। डॉक्टर साहब है? खाना खाने गए। चल अच्छा हुआ, उधर एक मरीज है, हमेशा वाले सवाल पूछो और फॉर्म भरवा लो। मगर साहब के दस्तखत? कुछ भी लिख दो, देखता कौन है। नहीं पर बंदा भोंदू है, उसे कुछ पता नहीं होगा। डरो मत, इनाम के पैसे बांट लेंगे। मरीज कहाँ है? तुम्हारा नाम? रंगा साहब। उम्र? यही कोई 50 या 70 के आसपास, क्योंकि जब मैं छोटा। 55 लिख दूं? आप पढ़े लिखे हैं साहब, शो ठीक समझो, लिख दीजिए। शादीशुदा हो? हाँ, अब जो है वो मेरी दूसरी बीवी है, पहले तो भरी जवानी में चली गई, बुजुर्ग लोग कहने लगे कि। बच्चे कितने हैं? 6 बच्चे तो साहब 1 साल भी पूरा नहीं कर पाए। फिर 7वां बच्चा पैदा होने से पहले मैंने देवी से मन्नत मांगी कि अगर ये बच्चा जी गया तो मैं सर मुंडवाकर नंगे बदन लेटे लेटे मंदिर की प्रदक्षिणा करूंगा। साहब 7वां बच्चा जी गया। 7 बच्चे? अब तुम्हें और बच्चे नहीं होने चाहिए। सरकार ने आदेश दिया है कि 2 से ज्यादा बच्चे पैदा मत करो। सरकार? अंगूठा लाओ। नहीं नहीं वो मेरे 30 रुपए अभी मिलेंगे क्या? अभी नहीं, बाद में। आप इसका लोहा तो बहुत अच्छा है, कहां से लिया? वापस रख दो। अब वो मेरे कपड़े, मेरी गठरी? सामने वाले तंबू में है। अब वो नीली कमीज वाले आएंगे ना? सुनो, डॉक्टर साहब अभी आ जाएंगे, अगर वो कुछ बोले भी तुम कुछ मत बोलना, उल्टे सीधे सवाल मत करना, समझे? वो बहुत बड़े साहब हैं। समझ गया साहब।
नहीं नहीं मेरे पास वक्त नहीं है। और कितने केस हैं? चार और केस हैं इन्हें मिला के। कमीनो, मैं तुम्हें नौकरी से निकलवा दूंगा। तुम जैसों की वजह से ही हमारे बदनामी हो रही है। Come on, baby!